हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का VTU 21 स्कीम मॉडल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 10 सी। तो क्वेश्चन में आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है और बोला गया है कि गॉस सीडल मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो पहले देखिए समझते हैं कि गॉस सीडल मेथड क्या होता है और हम कैसे ऐसा प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसिडर करने जा रहे हैं, आपका तीन लीनियर इक्वेशन लेंगे जनरलाइज फॉर्म में। कहने का मतलब है कि a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इक्वल टू b1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा आपका a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इक्वल टू b2। और आपका थर्ड इक्वेशन हो जाएगा a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 इक्वल टू b3। तो ये हम कंसीडर कर लेते हैं, ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले समझिए कि ये गॉस सीडल मेथड जो होता है वो आपका एक इटरेटिव अप्रोच है। इटरेटिव अप्रोच कहने का मतलब कि आपको सेम तरीका जो है बार बार अप्लाई करते जाना है, मतलब सॉल्व करने का जो है एक तरीका होगा और सेम तरीके को आपको रिपीट करते जाना है। और आपको यहाँ पे अननोन्स जो है मतलब x1 x2 और x3, वैसे क्वेश्चन में आपका xyz है तो उसका वैल्यू आपका अपडेट होते जाएगा। जितना बार आप ज्यादा इटरेशन कीजिएगा उतना आप आंसर के क्लोज पहुंचते जाइएगा। अब क्वेश्चन आता है कि कितना बार आपको इटरेशन करना है। तो देखिए नॉर्मली जो है अगर आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो नॉर्मली जो है आपको 4 बार कम से कम तो करना ही है इटरेट लगातार इस प्रॉब्लम को। लेकिन आपके क्वेश्चन में नॉर्मली जो है दिया हुआ रहता है कि आपको कितने बार इटरेशन करना है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि आपका दिया हुआ है कि 4 बार करना है, तो आपको सेम जो है सेम अप्रोच 4 बार लगाना होगा और फाइनली जो आपका xyz का वैल्यू आपका अपडेट होते जाएगा और जो वैल्यू आएगा वो आपका मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू हो जाएगा और वही वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो तरीका होता है बहुत ही सिंपल है आपका। सबसे पहले जो है आपको क्या चेक करना है कि ये जो इक्वेशन लिखा गया है ये डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। अब देखिए समझते हैं डायगोनली डोमिनेंट का क्या मतलब होता है। डायगोनली डोमिनेंट का मतलब होता है कि मॉड a11 शुड बी ग्रेटर देन मॉड a12 प्लस मॉड a13। कहने का मतलब है कि ये जो कोफिशियंट है इसका मॉड नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को। तो ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर होना चाहिए इसके और इसके सम के। सिमिलरली जो है आपका a22 मतलब मॉड a22 शुड बी ग्रेटर देन a21 प्लस a23। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा आपका डायगोनली डोमिनेंट है तो मॉड a33 आपका ग्रेटर होना चाहिए a31 प्लस a32 से। सिर्फ हम मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, यानी मॉड a33 शुड बी ग्रेटर देन मॉड a31 प्लस मॉड a32। तो ये है आपका डायगोनली डोमिनेंट का मतलब। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आपको इक्वेशन को चेक करना है कि आपका इक्वेशन डायगोनली डोमिनेंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको इक्वेशन को जो है रीअरेंज करना पड़ेगा इस तरह से कि आपका ये वाला जो तीन कंडीशन हम लिखे हैं तीनों का तीनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, इसके बाद बहुत ही सिंपल है, आपको इक्वेशन 1 से सिमिलरली इक्वेशन 2 से और इक्वेशन 3 से तीनों से आपका जो तीन अननोन्स दिया हुआ है x1 x2 x3 उसके लिए इक्वेशन लिखना है। तो देखिए अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से लिखिएगा तो फर्स्ट इक्वेशन में जब आप x1 का वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो x1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x1 इक्वल टू आपका हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से b1 माइनस a12 x2 माइनस a13 x3 और ये आपका कोफिशियंट क्या है a11। तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 by a11 और ये वाला टर्म। सिमिलरली आप इक्वेशन 2 से यहां से आप x2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप x2 का वैल्यू ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को आपको RHS में भेजना है और आपका जो इस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। सिमिलरली आप यहां से x3 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहां पे जो पहले समझने वाला बात है कि सबसे पहले जो है आपको कुछ इनिशियल ट्रायल सॉल्यूशन कंसीडर करना होता है। देखिए अगर आपके प्रॉब्लम में मेंशन नहीं किया हुआ है तो आपको जो है 0 0 0 ही कंसीडर करना है। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम में मेंशन कर दिया है तो वही लेके चलना। जैसे यहां पे प्रॉब्लम में मेंशन किया हुआ है 0 0 0 तो वही आपको इनिशियल सॉल्यूशन लेना था। वैसे कुछ और भी वैल्यू हो सकता है लेकिन नॉर्मली वो 0 0 0 ही होता है। तो देखिए जब आपका ट्रायल सॉल्यूशन ये है तो जब आप फर्स्ट इटरेशन करते हैं तो आपका x1 का जो वैल्यू है x1 का वैल्यू यहां से आ जाएगा आपका, ये हम फर्स्ट इटरेशन कर रहे हैं तो
जब आप फर्स्ट इटरेशन कीजिएगा और आपको ट्रायल सॉल्यूशन क्या कंसिडर करना है, 0,0,0, यानी जो है आपका इनिशियली x1 जो है आपका और y1 और z1, सॉरी x1 x2 x3 है यहाँ पे आपका, यानी x1 x2 x3 आपको शुरू में जो है 0,0,0 कंसिडर करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा आपका, यहाँ से जब आप फर्स्ट इटरेशन कीजिएगा तो यहाँ से आपका x1 का क्या वैल्यू आ जाएगा, देखिए x2 की जगह पे आप जब आप 0 रखिएगा और x3 की जगह पे जब आप 0 रख दीजिएगा तो आपका क्या बचेगा, b1/a11। तो यहां से जो है आपका फर्स्ट इटरेशन करने के बाद x1 का कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये वैल्यू आपका कुछ आया है, कुछ मान लेते हैं x, मान लेते हैं कि ये वैल्यू आपका x आया होगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से आपका x2 का क्या वैल्यू आ जाएगा, इस इक्वेशन से x2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/a22 और आपका ये हो जाएगा b2-a21। x1 ये वाला टर्म को हम RHS में भेज दिए और आपका ये वाला भी टर्म RHS में चला जाएगा -a23x3। तो अब आप यहां से देख सकते हैं और ये a22 कोफिशिएंट था तो ये आपका RHS में क्या तो डिवाइड हो जाएगा। इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिखे हैं तो इसको भी हम इरेज करने जा रहे हैं। तो देखिए सेकंड इक्वेशन से आपको x2 का ये वैल्यू आया, तो हम आपको बताए थे हम ट्रायल सॉल्यूशन में हम क्या कंसीडर किए, x1 x2 और x3 इक्वल टू 0। लेकिन यहां पे जो ये आपका x1 है, यहां पे अब आपको जो फर्स्ट इटरेशन के बाद ये आपका फर्स्ट इटरेशन ही कंटिन्यू हो रहा है, ये x1(1) फिर ये आपका x2(1) है। तो देखिए x2(1) जब आप फाइंड कर रहे हैं तो आपको x3 का वैल्यू अभी 0 ही कंसीडर करना है, लेकिन x1 का जो वैल्यू यहां पे आपका x निकल के आया है यही वैल्यू आपको यहां सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/a22 b2-a21 और फिर x1 का वैल्यू हम कंसीडर किए थे x, तो ये वैल्यू आपका यहाँ पे x को सब्स्टिट्यूट करना होगा और ये आपका 0 हो जाएगा। आप चाहे तो x की जगह पे b1/a11 भी लिख सकते हैं, वो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली जब आप थर्ड इक्वेशन से x3 का वैल्यू फाइंड कीजिएगा, देखिए थर्ड इक्वेशन से आपका x3 क्या आ जाएगा, x3 = 1/a33 b3-a31 x1-a32 x2। देखिए ये आप जो है फर्स्ट इटरेशन ही कर रहे हैं तो यहां से आपको क्या होगा x3(1) फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला आ गया आपका इक्वेशन 3 से। तो देखिए यहाँ पे आपने पहले फर्स्ट इटरेशन में x1 का वैल्यू फाइंड किया, उसके बाद आपने अभी x2 का भी वैल्यू फाइंड किया, ये आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देगा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहां से जो है आपका x1 और x2 जो आया था वो आपको सब्स्टिट्यूट करना है तो आपका ये x3 का वैल्यू आ जाएगा। तो ये थर्ड वेरिएबल था आपका, थर्ड अननोन था। देखिए ये फर्स्ट इटरेशन करने के बाद आपके पास x1 x2 और x3 का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली इसी इक्वेशन को आपको बार बार चलाना है, कहने का मतलब जैसे यहाँ पे 4 इटरेशन दिया हुआ है तो आपको 4 बार जो है इसी इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और फाइंड करना है। तो जब हम ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि कौन सा वैल्यू को आपको कहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो आइए प्रॉब्लम को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताएं, सबसे पहले हम इक्वेशन को चेक करते हैं कि वो डायगोनली डोमिनेंट है कि नहीं, अगर नहीं है तो हम इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 जो है आपका, इक्वेशन 1 में mod 2 जो है आपका, mod 2 वो ग्रेटर देन mod 3 प्लस mod 20 कभी नहीं होगा, यानी इक्वेशन आपका डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। तो सबसे पहले हमको इसको रीअरेंज करना होगा। तो देखिए रीअरेंज करके देखते हैं तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि इक्वेशन 1 जो है आपका ये वाला हो जाएगा, जो मिडिल वाला है वो इक्वेशन 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि mod 20 जो है वो ग्रेटर देन होगा mod 1 प्लस mod 2 के, ये हम कहना चाह रहे हैं mod 20 इज ग्रेटर देन mod 1 प्लस mod 2। तो यानी आपका इक्वेशन जो है सेकंड वाला इक्वेशन जो क्वेश्चन में, वो एक्चुअली आपका रीअरेंज करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। तो देखिए इसको हम रीअरेंज करने जा रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 20x + y - 2z = 17, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। सिमिलरली इक्वेशन 2 आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपका क्वेश्चन का जो थर्ड इक्वेशन है वो आपका रीअरेंज करने के बाद सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, 3x + 20y - z = -18, और ये वाला इक्वेशन आपका थर्ड इक्वेशन हो जाएगा, यानी 2x - 3y + 20z = 25। तो देखिए यहाँ पे आपको कंसीडर करने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में आपका इनिशियल ट्रायल सॉल्यूशन जो है आपका दिया हुआ है 0,0,0, फिर भी आपका काम है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेटेस्ट कंसीडर ट्रायल सॉल्यूशन b 0,0,0।
तो देखिए अब हम आपको बता चुके हैं कि आपको चार बार इटरेशन करना है, प्रॉब्लम में मेंशन किया हुआ भी रहेगा और अगर नहीं भी रहेगा तो भी आपको फोर इटरेशन ही करना है। तो देखिए जब आप फर्स्ट इटरेशन कीजिएगा तो आपका यहां से देखिए यहां से आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से आपका x इक्वल टू आएगा 17 और फिर माइनस, फिर आपका देखिए ये वाला टर्म जो है आरएचएस में जाएगा और ये वाला भी टर्म आरएचएस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 17 माइनस वाई और ये प्लस 2z और होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये x का कोफिशियंट, x का कोफिशियंट क्या है 20, तो ये 1/20। तो हम आपको बताए थे वीडियो में, आप पीछे जाके देख सकते हैं कि ट्रायल सॉल्यूशन आपने 0.0.0 कंसीडर किया है, यानी x भी 0 है, y भी 0 है, z भी 0 है। तो यहाँ पे आपको y के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करना है, z के जगह पे भी आपको 0 सब्स्टिट्यूट करना है। जब आप ऐसा कीजिएगा तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये एक्चुअली फर्स्ट ट्रायल सॉल्यूशन है, सॉरी फर्स्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है। तो देखिए फर्स्ट इटरेशन करने के बाद जो है आपका ये, हम इसको अलग दिखाने के लिए इसके x के ऊपर में हम ऐसे करके लिख रहे हैं वन ब्रैकेट में, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये फर्स्ट इटरेशन के बाद का x का वैल्यू है। तो देखिए y और z की जगह जब आप 0 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 17/20। तो देखिए यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ये जो गॉस सीडल मेथड है, इसमें आपका पूरा का पूरा कैलकुलेटर का खेल है। कैलकुलेटर अगर आपका साथ देगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप मैनुअली कैलकुलेट कीजिएगा तो इसमें बहुत टाइम जाएगा, इसीलिए हम पहले से वैल्यू कैलकुलेट करके रखे हैं। तो हम वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो देखिए ये आपका आ जाएगा 17/20 इक्वल टू 0.85। तो ये फर्स्ट इटरेशन के बाद जो है आपका ये x का वैल्यू आ गया। सिमिलरली जब आप सेकंड इक्वेशन पे ध्यान दीजिएगा तो यहां से जो है आपका y ऑफ 1 क्या आ रहा था, यहां से आपका y ऑफ 1 हो जाएगा -18 और फिर देखिए ये वाला टर्म आपका आरएचएस में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -3x और फिर ये वाला टर्म जाएगा तो +z और ये इसका कोफिशियंट है आपका 20, तो ये हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 20। तो देखिए हम आपको बताए थे कि अब जब आप y का जो है फर्स्ट इटरेशन करने के बाद वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो ये जो x है यहाँ पे आपका ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा, ना कि 0 सब्स्टिट्यूट होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी x का पहला जो है इटरेशन करने के बाद का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, लेकिन z की जगह पे आपका अभी भी 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा, क्योंकि z का जो है अभी आपका ट्रायल सॉल्यूशन या फिर इनिशियल सॉल्यूशन 0 ही है और आपने अभी फाइंड नहीं किया है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/20 और ये आपका -18 और -3 और x की जगह पे आपका ये हो जाएगा 0.85 और z की जगह पे आपका 0 हो जाएगा, इसीलिए हम लिखने नहीं जा रहे। तो देखिए जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, आप लोग को भी कैलकुलेट करना है और आप लोगों को भी वेरीफाई करना है, हम ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा -1.0275। तो ये आपका जो है y का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया आपका फर्स्ट इटरेशन करने के बाद। अब देखिए बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि डेसिमल के बाद आपको कितना प्लेस तक वैल्यू लेना है, तो जो है आपका एग्जाम में जो है स्टैंडर्ड कहा जाता है कि डेसिमल के बाद नॉर्मली आपको जो है 4 डिजिट तक का वैल्यू कंसिडर करना, इवन आपके कैलकुलेटर में भी ये फैसिलिटी है कि आप जो है कैलकुलेटर को सेट कर सकें कि डेसिमल के बाद जो है आपका वो कितना वैल्यू दे, तो उसको आप चाहें तो 4 डिजिट तक जो है आप सेट कर सकते हैं डेसिमल के बाद का, नहीं तो आप चाहें तो नॉर्मली डिटेल आंसर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फाइनल आंसर जो है आपका अप्रोक्सीमेटली जो आएगा वो सबका सेम आएगा। तो यहाँ पे हम भी जो है डिटेल आंसर मतलब डेसिमल के बाद हम भी जो है जितना कैलकुलेटर में दिखा रहा था उतना वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करेंगे और आपको पूरा जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगा वो हम लास्ट में फाइनली वही आपका आंसर कंसिडर करेंगे। तो देखिए जब आप यहाँ से वाई का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, अब देखिए थर्ड इक्वेशन से आपका जेड का यहाँ से क्या वैल्यू आएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं जेड इक्वल टू, यहाँ से जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/20 और यहां से आपका ये 25 -2x +3y। तो देखिए ये जो है आप ये z का फर्स्ट इटरेशन के बाद जो है ये वैल्यू आप फाइंड करने जा रहे हैं। तो अब यहां पे जो है आपका यहां पे x और y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट होगा, जो वैल्यू आपने x और y का फर्स्ट इटरेशन के बाद फाइंड किया है, तो x का वैल्यू आपका आया है 0.85, तो यहाँ पे आपका 0.85 आएगा और y का सिमिलरली ये वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है इसलिए हम इक्वेशन को इरेज करने जा रहे हैं। तो जब आप जेड का वैल्यू फाइंड कीजिएगा फर्स्ट इटरेशन के बाद, तो ये हो जाएगा आपका 1/20 25 -2x, तो 2x की जगह पे आपको पता है कि x की जगह पे आपको रखना है 0.85, तो ये हो जाएगा 0.85
और उसके बाद फिर आपका प्लस 3y, तो प्लस 3 इंटू और y का वैल्यू आपका आया है माइनस 1.0275, माइनस 1.0275। तो देखिए जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आएगा। ये देखिए आपको डिटेल जब स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व नहीं करना, इसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 1.010875। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इटरेशन करने के बाद एक्स वाई और जेड का वैल्यू आ गया। सिमिलरली अब जो है हम सेकेंड इटरेशन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हम नॉर्मली कुछ कुछ पार्ट को इरेज करेंगे, आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए जब आप सेकेंड इटरेशन कीजिएगा तो ये आपका सेकेंड इटरेशन होने वाला है। जब आप सेकेंड इटरेशन कीजिएगा तो इक्वेशन जो है आपका वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। कहने का मतलब है अब यहाँ पे आपको 1 की जगह पे ये 2 कर दीजिए, तो अब देखिए ये जो है आपका 1/20 17 माइनस वाई प्लस 2z। तो हम ट्रायल सॉल्यूशन कंसीडर किए थे आपका 0,0,0, तो उस समय आपका वाई और जेड 0 हो चुका था, लेकिन अब हम फर्स्ट इटरेशन के बाद आपका वाई जेड और एक्स तीनों का वैल्यू आ चुका है। तो इस बार जो है आपका वाई और जेड की जगह पे ये जो वाई का वैल्यू आया है फर्स्ट इटरेशन का वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और जेड का भी ये वैल्यू आपका यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा। तो ऐसा करने के बाद कैसा दिखेगा वो देखते हैं। तो देखिए ये आपका आ जाएगा 1/20, मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए जो है हम ये इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/20 17 माइनस, अब देखिए वाई की जगह पे आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1.0275 और प्लस आपका 2z था जो कि हम इरेज करते, लेकिन याद होगा आपको प्लस 2z था, तो 2 इंटू और जेड क्या आया आपका 1.010875। तो जब आप ये वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो ये वैल्यू आपका आ रहा है, ये वैल्यू आपका आ जाएगा 1.0024625। तो अब आपको यहीं से पता चल जा रहा होगा कि x का वैल्यू जब आप और भी इटरेशन कीजिएगा तो आपका वैल्यू 1 के ही नजदीक जाने वाला है, इसलिए आपका फाइनल आंसर 1 ही आ जाएगा। खैर अभी उस पर ध्यान नहीं देते। अब देखिए y का वैल्यू फाइंड करना है तो आप सेकंड इटरेशन करने जा रहे हैं, तो y2 यहां से क्या हो जाएगा आपका 1/20 माइनस 18 और माइनस 3x, तो हम इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो देखिए यह आपका हो जाएगा माइनस 3x प्लस जेड था तो माइनस 3, और देखिए यहाँ पे अब जो है आपको x के जगह पे ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि आपने अभी जो अपडेटेड वैल्यू है वो फाइंड कर लिया। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1.0024625 माइनस 3x और प्लस आपका z था, तो प्लस और z का भी वैल्यू अभी आपने फाइंड किया फर्स्ट इटरेशन के बाद, तो z का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1.010875। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 0.999825625। तो देखिए यहां पे जो है आपको, यहां पे आपको नॉर्मली 4 डेसिमल तक गिन लेना है जैसा कि हम आपको बताए, लेकिन हम यहां पे जो है आपको समझाने के लिए डिटेल आंसर लिख रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको 0.998 कंसीडर कर सकते हैं आप। और अगर आपका ये वैल्यू जो है 5 क्रॉस कर रहा होता या फिर आपका 85 जैसे मान लीजिए 8 के बाद ये आपका 5 रहता तो आप 49 कंसीडर कर सकते थे, या फिर आप नॉर्मली अपने कैलकुलेटर को सेट कर दीजिएगा तो आपको 4 डेसिमल का ही प्रिसाइज वैल्यू देगा। और हम यहाँ पे लेकिन डिटेल वैल्यू लिखे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना, ये बहुत ही सिंपल है, आपको जो कैलकुलेटर कैलकुलेट करके देगा वही वैल्यू लिखना है और आपका फाइनल आंसर और मेरा फाइनल आंसर वैसे सेम ही आएगा। तो देखिए ये आपका हो गया वाई का वैल्यू। अब जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखिए जेड में भी सिमिलरली जो है आपको एक्स का अपडेटेड वैल्यू और आपका वाई का अपडेटेड वैल्यू फाइंड करना है, लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए ये हो जाएगा 1/20 25 माइनस 2x, तो देखिए ये आपका 2x की जगह पे अब ये वैल्यू आपका आ जाएगा यानी 1.0024625, और फिर देखिए आपका उसके बाद था आपका प्लस 3। तो देखिए यहाँ पे आपका प्लस 3y था तो 3 इंटू और जो y का जो वैल्यू आया है आपका सेकंड इटरेशन के बाद वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 0.999825। तो ये वैल्यू आपका कैलकुलेट हो गया कितना आएगा वो हम लिखने जा रहे हैं। तो देखिए जब आप ये वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो ये वैल्यू आपका आ रहा है 0.0024625
777-99-063। तो अब देख सकते हैं कि आपका ये वैल्यू जो है नियरली वन के जो है नियर जा रहा है, तो फाइनल आंसर भी आपका वन ही आने वाला है। लेकिन अभी आपको चार इटरेशन करने बोला गया था, तो ये आपका सेकंड इटरेशन था। इसी तरह से आपको जो है अब थर्ड इटरेशन करना है। आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा, फिर भी हम जो है आपको फाइंड करके बता देते हैं। तो देखिए, जब आप थर्ड इटरेशन कीजिएगा, तो सिमिलरली जो है आपका वैल्यू फिर से वापस से जो अपडेटेड वैल्यू है वो आपको कंसीडर करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपका था 17 माइनस y, तो 17 माइनस, अब आपने y का ये वैल्यू फाइंड किया, तो y का आपका ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा। तो देखिए, y का आपने ये वैल्यू फाइंड किया है -0.999825625, और इसके बाद आपका क्या था, इसके बाद था आपका प्लस का 2z, यानी प्लस 2 इंटू, और आपका z का ये वैल्यू आपका आया, तो ये वाला z का वैल्यू आ जाएगा यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.999-77-99-063। तो यहां से जो अब जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो यहां से जो है आपका थर्ड इटरेशन करने के बाद x का वैल्यू आ रहा है आपका 0.999692719। तो देखिए, ये आपका जो है थर्ड इटरेशन करने के बाद ये आपका x का वैल्यू आ गया। सिमिलरली जो है आपका y का भी वैल्यू चेंज होगा, और y का भी वैल्यू आपको जो है अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो आप थर्ड इटरेशन कर रहे हैं, तो ये जो है आपको चेंज करना होगा, ये थर्ड इटरेशन है आपका। तो y इक्वल टू था आपका 1/20 -18 -3x। तो देखिए, आपने अभी x का अपडेटेड वैल्यू फाइंड किया है, तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली प्लस z था आपका, तो आपका z का भी वैल्यू आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए, 3 इंटू इस बार जो x का वैल्यू आया है, तो अब देखिए इतना बड़ा वैल्यू तो यहाँ पे हम लिख नहीं सकते, इसलिए जो हम इसको छोटा छोटा करने जा रहे हैं। तो ये आपका मान लेते हैं 0. और ये 4 times 9, और आपको भी डेसिमल के बाद वैसे 4 वैल्यू ही कंसीडर करना है, लेकिन हम यहाँ पे एज इट इज जो वैल्यू आया था कैलकुलेटर में वो यहाँ पे लिखते जा रहे थे। और आपका इसके बाद हो जाएगा ये आपका प्लस, और फिर क्या था आपका प्लस जेड, तो जेड में भी हम यहाँ पे 0999, और आपका देखिए ये 77 है, तो आप जो है इसको 75 क्रॉस कर चुका है, तो आप इसको 8 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आपका कैलकुलेट आगे आ जाएगा, ये आपका -1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपका आ रहा है, एक्चुअली ये वैल्यू आपका आ रहा है -1.000, ये 5 times आपका 0 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 1 के इक्वल है, और ये 6395। तो ये आपका जो है थर्ड इटरेशन के बाद आपका ये वैल्यू आ जाएगा। और अब आपको जेड का थर्ड इटरेशन के बाद का वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको जहां जहां एक्स और वाई वाला टर्म था वहां पे अब आपको अपडेटेड वैल्यू लिखना है। तो हम यहाँ पे भी आपको अपडेटेड वैल्यू लिखने जा रहे हैं। तो जेड इक्वल टू इक्वेशन था आपका 1/20 25 -2x+3y। तो यहाँ पे आपका एक्स का भी वैल्यू अपडेट होगा, और यहाँ पे आपका वाई का भी वैल्यू अपडेट होगा। तो देखिये, एक्स का आपने भी वैल्यू फाइंड किया है थर्ड इटरेशन के बाद, आपका क्या आया है 0.99। हम चार डेसिमल तक ही कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है मेरे पास, और इसमें भी आप चाहे तो -1 या फिर आप सारा वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली आपको जो एग्जामिनर को फाइनल आंसर जो आया उससे मतलब होता है, और अगर आपने कैलकुलेशन सही किया होगा तो फाइनल आंसर भी आपका करेक्ट होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 6395। तो देखिये, जब आप ये वैल्यू को कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये वैल्यू आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगा, ये भी आपका 1 के नियरर आ रहा है, 1.0002114। तो देखिए, ये आपका थर्ड इटरेशन करने के बाद ही क्लियर हो गया है कि आपका जो है x का वैल्यू आपका आ जाएगा 1, y का वैल्यू आ जाएगा -1, और z का वैल्यू आ रहा है 1। लेकिन आपको चार बार करने के लिए बोला गया, इसीलिए आपको फोर्थ टाइम भी करना है। तो देखिए, फोर्थ टाइम आपका क्या, ये फोर्थ इटरेशन हो जाएगा, और फिर से आपको अपडेटेड वैल्यू रखना है। तो ये हो गया आपका फोर्थ इटरेशन, और यहाँ पे भी आपको इरेज करके ये काम आपको लगातार कॉपी में करते जाना है, और आपको फाइनल आंसर जो है आपको फाइनली बॉक्स में लिख देना है। देखिए, यहाँ पे आपका 17 माइनस वाई था, तो वाई का वैल्यू आपका 1 आया है, तो ये 1 कंसीडर हम करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1, और प्लस 2z, तो जेड का भी वैल्यू यहाँ से आपका 1 आ चुका है। आप चाहें तो सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि हम जो फाइनल आंसर लिखेंगे और आपका फाइनल आंसर वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा।
तो 2 इंटू और जेड आपका 1 हम कंसीडर करने जा रहे हैं। तो देखिए यहां से जो है आपका फोर्थ इटरेशन के बाद जो x का वैल्यू मेरा आया है वो आया है आपका 1.000000531। तो ये आपका नियरली इक्वल टू 1 है। तो देखिए आपको फोर्थ इटरेशन करने के लिए बोला गया था, तो आप यहीं पे कंसीडर कर लीजिए कि ये वैल्यू आपका 1 हो गया। सिमिलरली जब आप फोर्थ इटरेशन y के लिए कीजिएगा तो यहाँ पे भी आपका ये चेंज हो जाएगा। तो ये 1/20 -18 -3x था, तो अब आपको x का वैल्यू यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू आपका आ चुका है ये 1, और प्लस आपका था z, तो z का भी अपडेटेड वैल्यू है आपका 1। तो ये आपका जो फाइनल आंसर आएगा, ये फाइनल आंसर आपका आ रहा है आपका -0.999999974। तो ये मैंने सारा डेसिमल का वैल्यू सारा सब्स्टिट्यूट किया। देखिए आपका जो डेसिमल के बाद जो है किसी के और के कैलकुलेटर में कुछ फर्क आ रहा होगा, लेकिन मेरा फाइनल आंसर और आपका फाइनल आंसर सेम ही होगा। तो देखिए ये आपका नियरली इक्वल टू क्या है, ये -1 है, तो y का फाइनल वैल्यू आपका -1 हो जाएगा। सिमिलरली यहां से आपको z का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए z का आपका फोर्थ इटरेशन के बाद क्या हो जाएगा, 1/20 -2x था, तो x का वैल्यू आपका आ चुका है 1, और फिर आपका था +3y। एक्चुअली आपको एग्जाम में जो है पूरा डेसिमल वैल्यू भी कंसीडर करके लिखना है, लेकिन हम जो है यहाँ पे डायरेक्ट जो है आपको इजी बनाने के लिए हम यहाँ पे सिंपली इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। तो देखिए ये वैल्यू आपका आया था -1, तो फाइनल जो आपका जेड का वैल्यू आ रहा है ये भी आपका आ रहा होगा 0.999999508, और ये भी नियरली इक्वल टू आपका क्या है, 1 है। तो देखिए आपका फाइनल वैल्यू जो आया वो आगे आपको आपको बॉक्स में हाईलाइट करके लिखना होगा, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 1। तो देखिए अब जो ये वैल्यू आया है अब आपको वेरीफाई करना है कि ये वैल्यू जो है आपका सही है कि नहीं। तो हम आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुके हैं कि जहां पे आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ हो वहां पे आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए आपका x का फाइनल वैल्यू 1, y का -1 और z का 1 आ चुका है। तो देखिए इक्वेशन 1 में जब आप रखिएगा तो ये हो जाएगा 2 -3 × y यानी 3 × -1 प्लस 20 × z यानी 20 × 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 + 3 = 5 और 5 + 20 = 25। तो इक्वेशन 1 आपका सेटिस्फाई हो गया। अब इक्वेशन 2 पे आते हैं, तो 20x, तो आपका क्या हो जाएगा 20 + y, तो y की जगह पे आपका है -1 और -2z यानी -2 × 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 20 - 1 आपका आ जाएगा 90 और 90 - 2 आपका हो जाएगा 70। अब इक्वेशन 3 पे आते हैं, तो 3x यानी 3 × 1 प्लस 20y, तो 20 × -1 आपका क्या हो जाएगा -20 और -z यानी -1। तो ये आपका आ जाएगा 3 - 20 आपका हो गया -17 और -17 - 1 -18। तो देखिए तीनों का तीनों इक्वेशन का जो RHS था आपका इसके साथ वेरीफाई हो गया, यानी आपका जो वैल्यू आया है x = 1, y = -1 और z = 1 ये आपका बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है। तो ऐसे प्रॉब्लम को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन आपका प्योरली जो है ये मैथमेटिकल है और आपका कैलकुलेटर पे बेस्ड है। तो आपका कैलकुलेटर अगर आपका साथ देगा तो आप बहुत ही इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।